पाप के उदय से कोई पापी नहीं, लेकिन पाप परिणाम
पाप, किससे पापी है, पाप परिणाम से। पुण्य का उदय से कोई पुण्यात्मक नहीं, पर पुण्य परिणाम से जीव पुण्यात्मक होता है। समझ में आ रहा कि नहीं, समझ में आ रहा क्लियर है ना। हम तो फिर कर्म की इतनी चर्चा क्यों, आपका प्रश्न हो सकता है ना, तो फिर कर्म की इतनी चर्चा क्यों, कर्म आपको दुखी नहीं करते, कर्म के साथ हमारा कोई संबंध नहीं। एक कल बता रहा हूँ कि कर्म के साथ हमारा निमित्त नैमित संबंध है, कर्म के साथ हमारा कर्ता कर्म संबंध क्या लिखा, कर्म के साथ हमारा स्मरण में क्या है, निमित्त नैमित संबंध। कौन सा नहीं, हमने क्या माना, कर्ता कर्म। अब कर्म की इतनी चर्चा क्यों, आपका प्रश्न होता है, पूरे कर्मयोग में तो किसकी चर्चा है, कर्म की चर्चा है। तो लिखना मेन कारण, कर्म से कथन तो किया है पर कर्म से कार्य नहीं होता है। क्या कहा, कर्म से कथन तो होता है पर कर्म से कार्य नहीं होता है। निमित्त को निमित्त का ज्ञान, देखो कर्म की चर्चा क्यों हुई, हम अपने परिणाम को नहीं देख सकते हैं, हम किसको नहीं देख सकते हैं, परिणाम को नहीं देख सकते हैं। तो कर्म की अवस्था बता के आचार्य ने तो किसको बताना है, परिणाम को बताना है। जहां जहां कर्म की चर्चा आई वहां वहां समझना किसको है, अपने परिणाम को समझना है। कर्म में कुछ कर सकता है कि नहीं, कुछ नहीं कर सकता है। लिखना, परिस्थिति नहीं बदलनी है, मनस्थिति बदलनी है। क्या कहा, परिस्थिति नहीं बदलनी, किसको बदलना है, मनस्थिति बदलना है। हम किसमें लगे हैं, हम परिस्थिति बदलते हैं, परिस्थिति हम बदलना हमारे हाथ में नहीं है। हम अपनी मनस्थिति बदलेंगे तो हमको कोई दुखी करने में समझ आ रहा है। कर्म को नहीं बदलना है, अपन बदल जाएंगे तो कर्म अपने आप बदल जाएंगे। समझ आ रहा है, क्योंकि कर्म और आत्मा के बीच में कौन सा संबंध, कौन सा नहीं, कर्ता कर्म संबंध नहीं है ना। अपन स्वयं बदल जाएंगे तो कर्म को बदलना नहीं पड़ेगा, स्वयं कर्म अपने आप, परिणाम अच्छे हुए, परिणाम अच्छे हुए तो कर्म में भी क्या हो जाएगा, हाँ बदलाव हो जाएगा ना, उलट पुलट होने लगेगा। ख्याल आ रहा ना, वो हम देखेंगे कर्म की सारी अवस्था है, क्या क्या होता है कर्म में। अभी आप लिखना, कल एक लास्ट टॉपिक छोड़ा था मैंने, कल लास्ट, वेरी गुड, घाती कर्म और अघाती कर्म। पहले कौन बताएगा, घाती कर्म के चार नाम, घाती कर्म के चार नाम। हाँ वेरी गुड, और अघाती के चार, आयु वेदनीय, आयु नाम और गुण। बैठ जाओ, अब उसके सामने चार आठ गुण कौन से प्रकट होते, आठ गुण कौन बताएगा, किसी को याद है आठ गुण, हाँ शिवनी बोलो। बैठ जाओ, वेरी गुड। दूसरा, हाँ वेरी गुड। तीसरा, अनंत सुख, वेरी गुड। हाँ चौथा, अंतराय के भाव में अनंत वीर्य। पांचवा, वेदनीय, हाँ जिसको पूछा जाए उसको, कौन सा, अव्यवाद, लिखते जाना, जिसको नहीं पता वो लिखते जाना, आठ आठ लिख लेना। वेदनीय के सामने अव्यवाद, अब आयु के सामने अवघानत्व, आयु के सामने अवघानत्व, नाम सूक्ष्मत्व, और गोत्र के सामने अगुल। ओके, अब प्रकृतियां कौन बताएगा मुझे जल्दी से, टोटल कर्म प्रकृतियां कितनी, 148। जानावर भी की कौन आठ बोल रहा है, आठ कौन बोल रहा है, हाथ ऊपर करो, अभी तो आठ बोले जाए, पांच पांच कर दो, पक्का आठ, आठ श्योर, गलत, पांच। ज्ञानवर्णी की कितनी, पांच। दर्शनवर्णी की
ज्ञान नहीं लेना है बेटा, पांच ज्ञान, पांच है ना, पांच ज्ञानावलि की पांच, दर्शनावलि की नौ, मोहिनी की दोनों की अट्ठाईस, दो बराबर दर्शन मैंने चार किलो मोहन और उसकी भी थी अंतराय की वेदिनी की आयु की कौन की बोला आयु की चार, आपने खाना नहीं खाया आज, आयु की चार, गोत्र की और नाम कर्म है। बहुत ज्यादा खा लिया लगता है। 93 कितनी है नाम कर्म की, 93 क्लियर, जिसको नहीं पता वो लिख लो 148। अब आ जाओ घाती कर्म और अघाती कर्म, ओके। अब लिखना घात माने क्या, घात, घात माने क्या, द्रव्य का घात होता है, क्या गुणों का घात होता है, क्या पर्याय का घात होता है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ जान पूछ के, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूज होने ही वाला है आपको, पर्याय का घात होता है कि नहीं। देखो शायद बात कथनचित होता है, कथनचित पर्याय का घात नहीं होता, ठीक है। अगर लिखो पर्याय का घात हो जाए तो द्रव्य पर्याय बिना हो जाएगी, समझ में आ रहा है, द्रव्य किसके बिना हो जाएगी, पर्याय के बिना हो जाएगी, इसे पर्याय का भी घात। तो फिर घात माने क्या, घात माने लिखना, घात माने गुणों का सामर्थ्य पर्याय में प्रकट नहीं होना, घात माने गुणों का सामर्थ्य पर्याय में प्रकट नहीं होना, उसे घात कहते हैं, क्लियर है ना। पर्याय का घात नहीं होता है, पर घात माने क्या, कौन बताएगा घात माने क्या, उसे क्या कहते हैं घात। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल श्रद्धा, श्रद्धा गुण का घात माने क्या, समय दर्शन नहीं होना, समझ में आ रहा है ना, श्रद्धा गुण का घात माने पर्याय में समय तो नहीं होना, ज्ञान गुण का घात माने केवल ज्ञान नहीं होना, समझ में आया आप लोगों को, बराबर ना। अब दो चीज घाती कर्म और अघाती कर्म है ना, अब उसकी परिभाषा लिखना, जो अनुजीवी गुणों को घात करे, जो अनुजीवी गुणों को घात करे उसे घाती कर्म कहते हैं, अनुजीवी गुणों को घात करे उसे घाती कर्म कहते हैं, बराबर, और प्रतिजीवी गुणों को घात करे उसे अघाती कर्म कहते हैं। दो चीज, दो गुण बताए, ये दोनों गुण आत्मा के हैं, कौन से दो गुण बताए, यहां से अनुजीवी और प्रतिजीवी, अनुजीवी गुण आप पूछोगे क्या है तो लिखना एक शब्द में भाव स्वरूपी गुण, भाव स्वरूपी गुण, मैं समझाऊंगी अभी, पहले आप लोग खाली टेक्निकल वर्ड लिख लो, भाव स्वरूपी गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं और अभाव स्वरूपी गुणों को प्रतिजीवी गुण कहते हैं, भाव स्वरूपी गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं और अभाव स्वरूपी गुण को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। अब आप पूछोगे भाव स्वरूपी गुणों माने क्या, तो उसके लिए लिखना आप एक्सप्लेनेशन, भाव स्वरूपी गुण माने क्या, जिसका संसार अवस्था में, जिसका संसार अवस्था में कितनी भी विकृत अवस्था हो तो भी उस गुण का थोड़े में थोड़े अंश का उगाड़ होगा, होगा और होगा, भाव स्वरूपी गुण माने वेरी गुड, थोड़ा 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 तो उबाल उसका होगा ही, उस गुण का, अनुजीवी गुण का। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, पहले आपने लिखा संसार अवस्था में कितनी भी विकृत दशा हो, पीछे आप लोगों को समझ में आ रहा है, संसार अवस्था में कितनी भी विकृत दशा हो बराबर, तो भी उस गुण का थोड़े में थोड़ा अंश, थोड़े में थोड़ा अंश का उबाल होगा ही, ऐसा नहीं हो सकता कि उस गुण का बिल्कुल भी उगाड़ ना हो, टोटल अभाव हो, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल लिखो, फॉर एग्जाम्पल ज्ञान गुण, फॉर एग्जाम्पल ज्ञान गुण, जैसे निगोद में गया तो ज्ञान गुण है अनुजीवी गुण, निगोद में कितनी भी विकृत
दशा हो गई, पर्याय में कितनी भी हीन दशा हो गई, हीन ही दशा हो गई, तो भी उसका अक्षर के अनंत का भाग का ज्ञान खुला है। अगर वो उतना ज्ञान नहीं खुला होता तो क्या बन जाता जी? जड़ हो जाता है ना। प्रश्न श्रद्धा गुण अनुजीवी गुण पंच सुख का आंशिक दुख रूप परिणाम हो रहा है। शुद्ध अशुद्ध का भी नहीं देखना, उसका भी उघाड़ है वो देखना, भले उसकी विपरीत दशा हो रही है पर उसका उघाड़ है ना। समझ में आ रहा है? जैसे ज्ञान का, भले अभी ज्ञान सम्यक नहीं है निबोध वाले को, पर उसका ज्ञान का उघाड़ है कि नहीं, उसका ज्ञान खुला है ना, इसलिए उसको अनुजीवी गुण कहेंगे। श्रद्धा गुण का जो सुखरूप परिणाम, चारित्र गुण का जो सुखरूप परिणाम हो रहा है, बराबर ना, तो सुखरूप परिणाम नहीं हो रहा है। अभी संसार अवस्था में क्या हो रहा है? दुख रूप परिणाम हो रहा है, पर तो भी उस गुण का आंशिक परिणाम तो हो रहा है ना, भले वो विपरीत हो रहा है या सम्यक हो रहा है, उसको कहेंगे अनुजीवी गुण। क्लियर? प्रतिजीवी गुण, अगर प्रतिजीवी गुण समझाऊंगी ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। प्रतिजीवी गुण लिखना कि जिसका संसार अवस्था में बिल्कुल भी उगाड़ नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी उगाड़ नहीं है, संसार अवस्था में जिसका बिल्कुल भी उगाड़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने चार बताए ना, अव्यावाद, अगामत्व, अगुरुत्व और सूक्ष्मत्व। बोलो, इनका चौदह गुणस्थान तक इनका थोड़ा भी अंश खुला है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इन गुणों का उघाड़ परिणाम कब होगा, प्रगटता कब होगी? सिद्ध दशा में। इसलिए इन चार गुणों को क्या कहते हैं? प्रतिजीवी गुण कहते हैं। और थोड़े में थोड़ा अंश भी संचार अवस्था में जिस गुण का उघाड़ हो, फिर अब उसमें सम्यक और विपरीत ऐसे भेद मत करो, उसका उघाड़ है तो वो क्या कहेगा? अनुजीवी गुण। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ज्ञान, दर्शन, सुख, श्रद्धा, वीर्य, ये सब क्या है? अनुजीवी गुण। और अव्यावाद, सूक्ष्मत्व, अगणत्व, प्रतिजीवी गुण। क्लियर? कौन बोलेगा परिभाषा अनुजीवी गुण की? परिभाषा, हाँ पीछे आ, हाँ उगाड़ होता ही है। वेरी गुड। और प्रतिजीवी गुण माने जिसका संचार अवस्था में रंश मात्र भी उगाड़, अभाव स्वरूपी गुण को और भाव स्वरूपी गुण को अनुजीवी गुण कहते हैं। ठीक है, अब आठ कर्म के शास्त्रों में एग्जाम्पल दिए हैं, आठ कर्म के। सबसे पहला लिखो ज्ञानावर्णीय कर्म। हाँ, ज्ञानावर्णीय कर्म लिखो, मूर्ति के ऊपर कपड़ा ढका हुआ है, मूर्ति के ऊपर कपड़ा ढका हुआ है। जैसे ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल, अब ये मोबाइल के ऊपर मोटा कपड़ा ढका हुआ है, पहले आप लोग समझो, एक झाड़ा कपड़ा ढका हुआ है तो ये मोबाइल दिखेगा कि नहीं? नहीं दिखेगा, बराबर। अब उस मोबाइल के ऊपर पतला कपड़ा ढका हुआ हो, कैसा दिखेगा? धुंधला दिखेगा, बराबर ना, स्पष्ट नहीं, अस्पष्ट दिखेगा। बहुत बढ़िया। और पूरा रुमाल हटा दो, एकदम स्पष्ट दिखेगा। क्लियर? तीन अवस्था समझ में आ गई। अब मैं लिखाती हूं, आप लोग ऐसे लिखो, हाँ, जब ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है तो पदार्थ का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हो रहा है। जैसे मोटा कपड़ा ढका तो मोबाइल बिल्कुल भी, ऐसे ज्ञानावर्णी कर्म का उदय हो तो पदार्थ बिल्कुल भी ज्ञात नहीं होता है। पहला, जब ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोक्षम हो, क्या हो? क्षयोक्षम हो तो पदार्थ दिखेगा, पर कैसा दिखेगा? अस्पष्ट दिखेगा, अस्पष्ट। क्लियर? और जब ज्ञानावर्णी कर्म का पूरा क्षय हो गया, पूरा क्षय, तो उसको क्या कहेंगे? केवल ज्ञान। वेरी गुड, शाही ज्ञान।
तीन अवस्था हो गई। पहले पहली अवस्था को क्या कहा? उदय। उसके सामने लिखना औदयिक अज्ञान। शास्त्र में एक नाम आता है औदयिक अज्ञान, जो पदार्थ संबंधी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, उसको कहेंगे औदयिक अज्ञान। दूसरा ज्ञान शायोक्षणिक ज्ञान, और तीसरा ज्ञान शायिक ज्ञान। क्लियर? तीन प्रकार का अवस्था बताई, तीन प्रकार की अवस्था। कौन कहेगा? महिमा। ऑप्शन में कहा जा रहा है? आप गुणस्थान का उदय वाला याद करो, औदयी शायक्षमी और औदयिक अज्ञान, शायक्षमी ज्ञान और शायिक ज्ञान। बैठो, तीन ज्ञान हो गए। क्लियर? इसमें उदाहरण किसका दिया? मूर्ति के ऊपर पर्दा ढका हुआ हो तो वो जैसे बिल्कुल दिखती नहीं है, जैसे ज्ञानारोहण कर्मों का उदय होगा तो हमको पदार्थ संबंधी ज्ञान। दूसरा दर्शनावरण कर्म। तो दर्शनावरण, देखो यहाँ पे निमित्त की अपेक्षा से बात की है ना, कर्म का आवरण है बराबर, पर कर्म हमको ज्ञान की हीनता कर्म करता है, स्वयं अपने अशुद्ध उपादान की योग्यता से वो ज्ञानहीन होता है, तब ज्ञानावरणी कर्म का उदय निमित्त होता है। क्लियर? अब दर्शनावरण कर्म में उदाहरण दिया है द्वारपाल। किसका उदाहरण दिया है? द्वारपाल का। जैसे महल के बाहर द्वारपाल होता है ना, तो कोई व्यक्ति को अंदर आना हो, राजा को मिलना हो, तो वो द्वारपाल उसको क्या करता है? उसको अटका देता है। अब उसको राजा के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। क्लियर? ऐसे दर्शनावरणी कर्म के उदय में, दर्शनावरणी कर्म के आवरण के कारण हमको पदार्थ का प्रतिभास नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सामान्य प्रतिभास। क्या नहीं हो गया? सामान्य प्रतिभास नहीं होता है। दर्शन शब्द के दो अर्थ, एक अर्थ पे है सामान्य प्रतिभास और दूसरा अर्थ है श्रद्धा। दर्शन शब्द के दो अर्थ, सामान्य अवलोकन और दूसरा श्रद्धा। क्लियर? हमको पदार्थ का क्या नहीं होगा? सामान्य अवलोकन। अब तीसरा मोहनीय कर्म के लिए उदाहरण दिया है शास्त्र में, बहुत बढ़िया, मदिरा पान का उदाहरण। किसका उदाहरण? जैसे मोह मदिरा पान किया हो, वो व्यक्ति अपना भान भूल जाता है, ऐसे मोह रूपी मदिरा पान जिसने किया हो, इस शरीर को क्या मानता है? अपना मानता है, बराबर। मोनी हो गया, दर्शन मोनी, मोनी। देखो आप लोग दो चीज लिखा, ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी तो आवरण करते हैं, गुणों के ऊपर क्या करते हैं? आवरण करते हैं। दर्शन मोनी श्रद्धा को विपरीत करता, आवरण नहीं करता, श्रद्धा को क्या करता है? विपरीत, नाम बदल गए, शब्द बदल गए। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी श्रद्धा और ज्ञान पर आवरण करते थे, दर्शन मुनि श्रद्धा पर आवरण करता है, क्या करता है? उसको विपरीत कराता है। चारित्र गुण को विकृत करता है, फिर से क्या करता है? श्रद्धा को विपरीत करता है दर्शन मुनि, और चारित्र मुनि चारित्र को विकृत कराता है। क्लियर? बराबर। अब अंतराय के कितने भेद है? अंतराय कर्म किस गुण पर बाधा पहुंचाता है? बहुत बढ़िया, वीर्य गुण पर बाधा पहुंचाता है। अभी आपको शब्द बदल गया, क्या बदला? बाधा पहुंचाता है, बराबर ना। पांच भेद है ना, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य। ये पांच आत्मा के गुण है, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य किसके गुण है? आत्मा के गुण है। इसमें किसका उदाहरण दिया? उदाहरण खजानगी का उदाहरण दिया, बराबर ना। किसका? खजानगी का उदाहरण दिया। जैसे मंदिर में कोई खजानगी हो तो वहां से कोई वस्तु लेनी हो तो उसी
परमिशन के बिना वस्तु नहीं ले सकते हैं ना, बराबर ना। ऐसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल में समझना, किसी को दान देना हो, घर में चार भाई हो और एक भाई को दान देना हो, अब तीन भाई ने कहा कि यहाँ दान मत दो, हाँ, क्योंकि यहाँ पे सब व्यवस्था बराबर है, हालांकि तो उसका दान देने का भाव बदल गया। अब उसको दान देने में अंतराय किसने पहुंचाया? रॉन्ग, तीन भाइयों ने नहीं, अंतराय कर्म ने किसने पहुंचाया? अंतराय कर्म ने। हम दोष किस पे देते हैं? उस व्यक्ति के पर दोष देते हैं, पर बाधा किसने पहुंचाई? अंतराय कर्म ने। क्लियर, बराबर ना। माने पर द्रव्य हमारे दोष का कारण नहीं है, पर द्रव्य अपराध का कारण नहीं है, निमित्त कौन बनेगा? अंतराय कर्म निमित्त बनेगा। ख्याल आ रहा है कि नहीं? और ऐसा स्वयं का पुरुषार्थ भी यहाँ पे क्या हुआ? कम हो गया, और सामने निमित्त में कौन था? अंतराय कर्म। ख्याल आ रहा, बराबर ना। चार हो गए। अब वेदनीय कर्म में देखो, वेदनीय कर्म में शहद से लिपटी हुई तलवार, किसका उदाहरण लिया? शहद से लिपटी हुई तलवार। जैसे वेदनीय के दो भेद है ना, साता और असाता। के उदय में क्या मिलता है? अनुकूल सामग्री, और असाता के उदय में प्रतिकूल सामग्री मिलती है। क्लियर, बराबर ना। अब उसको उदाहरण किसका दिया? शहद से लगती हुई तलवार। जैसे वो जीभ पे रखते हैं ना, तो वो कटती है तो स्वाद कैसा आता है? खट्टा और दुखद आता है ना, मीठा और दुखी भी होता है उसी समय। ख्याल आ रहा है ना? ऐसे साका और असाका वेदनीय कर्म के उदय में जीव क्या होता है? सुखी और दुखी होता है। क्या होता है? सुखी और दुखी होता है, बराबर ना। कौन सा हो गया? वेदनीय। अब नेक्स्ट इसके बाद कौन सा आएगा? आयु। आयु कर्म के लिए उदाहरण दिया, किसका दिया? बेड़ी का। किसका? बेड़ी। जैसे बेड़ी में कोई बंधा हुआ हो, कब तक नहीं छूट पाएगा वो? बेड़ी नहीं खुलेगी तब तक। ऐसे आयु कर्म का काम क्या है? हाँ, जब तक आयु कर्म होगा तब तक ये आत्मा शरीर के अंदर रहेगा, शरीर से छूट नहीं पाएगा, बराबर के लिए है ना। बोलो, भोजन खाने से शरीर चलता है कि नहीं? भोजन खाने से। अच्छा, दवाइयों से शरीर चलता है कि नहीं? इंजेक्शन से शरीर चलता है कि नहीं? तो किस किस कारण से ये शरीर टूटा है? आयु कर्म। अगर भोजन से शरीर चलता हो तो नरक में नहीं चलना चाहिए ना। नरक में तो कितने कितने सागरों तक क्या नहीं मिलता? भोजन का अन्न भी नहीं मिलता, कर्ण भी नहीं मिलता, तो भी वो शरीर चल रहा है, क्यों? और यहाँ पे कोई एकदम अच्छा भोजन करता हो, पुष्ट पुष्ट खाता हो, जिम जाता हो, खूब एक्सरसाइज करता हो, तो भी अटैक आके मर जाता है, क्यों? क्योंकि आयु कर्म का। क्लियर, माने शरीर में अंदर रहने का कारण कौन था? आयु कर्म। कोई अपने को बचा या मार सकता नहीं। क्लियर, आयु कर्म हो गया। आगे नेक्स्ट नाम कर्म। नाम कर्म में उदाहरण किसका दिया? किसका? चित्रकार का। जैसे चित्रकार अलग अलग चित्र बनाता है, ऐसे नाम कर्म के कारण क्या मिलता है? अलग अलग शरीर मिलते हैं, है ना। किसी का गोरा, किसी का काला, किसी को मोटा, कोई पतला, है ना, कोई छोटा, कोई लंबा, ये सब किसका कारण? नाम कर्म के कारण। और लास्ट गोत्र कर्म। गोत्र कर्म के कारण, गोत्र कर्म के कारण, गोत्र कर्म में उदाहरण कुम्हार का दिया। जैसे छोटा छोटे बड़े क्या बनाता है? बड़े बनाता है। ऐसे गोत्र कर्म के उदय में ऊंच और नीच गोत्र की प्राप्ति होती है। क्लियर, आठ कर्म में उदाहरण आप समझ में आ गए, एक गोमत चार में उदाहरण दिए हैं। ओके, अब लिखो आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक। अब न्यू टॉपिक, अभी हमने कल तीन अवस्था देखी थी, बंद
मैं थोड़ी फास्ट गई इसमें क्योंकि ये आपको पता था, इसलिए मैं थोड़ी फास्ट गई, बराबर ना। आज कर्म का उदाहरण तो आप लोग को पता ही होगा, इसलिए मैं थोड़ी फास्ट चली गई इसमें, बराबर। अब लिखो तीन, बंद उन्हें सत्ता तीन किए थे ना। अब एक नई परिभाषा, आबादा काल, आबादा काल नहीं सुना? नहीं अभी मुबीन ना था, अभी मैं आबादा काल सिखा रही हूँ। आबादा काल माने क्या? आबादा काल, आबादा काल माने विशिष्ट विशिष्ट समय तक बनने के बाद, बनने के बाद विशिष्ट समय तक कर्मों का उदय में नहीं आना, कर्म का उदय में नहीं आना। बनने के बाद विशिष्ट समय तक कर्मों का उदय में नहीं आना, उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट काल तक कर्म का उदय में नहीं आना, उसको कहते हैं आबादा। एक फॉर्मूला लिख लो, एक फॉर्मूला, आबादा काल प्लस उदय काल इज इक्वल टू स्थिति काल। आबादा काल प्लस उदय काल इज इक्वल टू स्थिति काल। आबादा काल प्लस उदय काल इज इक्वल टू स्थिति काल, बराबर। ओके, तो आबादा काल क्या होगा? फॉर्मूला, फॉर्मूला, स्थिति माइनस, स्थिति माइनस उदय काल इज इक्वल टू, उदय काल इज इक्वल टू व्हाट? स्थिति काल माइनस इज इक्वल टू उदय काल, स्थिति काल इज इक्वल टू क्लियर, बराबर ना? समझ में आया? स्थिति टोटल स्थिति, आबादा प्लस उदय, आबादा काल में, आबादा काल में उदय में आएंगे कि नहीं कर्म? नहीं आए। एक लिखना, कर्म सब कर्म की फिक्स आबादा काल, सारे कर्मों की फिक्स आबादा काल। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिखना, एक कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म का बल हुआ हो, एक कोड़ा कोड़ी सागर का बल हुआ हो तो उसकी आबादा होगी 100 वर्ष। कितनी होगी? 100 वर्ष तक कर्म का, कर्म उदय में नहीं आएगा। सपोज मोनी कर्म की है 70 कोड़ा कोड़ी सागर, तो 7000 वर्ष तक कर्म उदय में नहीं आएगा। ऐसे 8 कर्म की अपनी अपनी क्या है? आबादा काल। क्लियर? कर्म के लिए समझ गए, बराबर। ये हो गया। अब लिखो आप कर्म में, ये 7 कर्म का बताया, 7 कितना बताया? सुनो सुनो सुनो, कर्म में समझ में आया आपको? आबादा काल प्लस उदय काल इक्वल स्थिति काल, बराबर। उदय कब आएंगे? कर्म उदय में कब आएंगे? किसके बाद? आबादा काल गया 100 वर्ष का भी बताया था ना, आबादा काल 100 वर्ष, तो 100 वर्ष गए, उसके बाद 100 वर्ष के बाद जो पहला समय आएगा तब क्या होगा? कर्म उदय में आना चालू हो जाएंगे। एक और लिखना, एक कर्म जब बंधे ना, कर्म बंधे तभी उसकी निषेक रचना हो जाती है। क्या हो जाती है? निषेक रचना। क्या हो जाती है? निषेक रचना। कहां से वो निषेक रचना बनना चालू हो जाएगी? आपदा काल को छोड़ के, क्योंकि आपदा काल में कोई निषेक है ही, समझ में आ रहा ना? निषेक, आप बोलोगे निषेक माने क्या? निषेक माने परमाणुओं के समूह को, समान स्थिति के कर्म परमाणुओं को निषेक कहते हैं। फिर से, समान स्थिति के कर्म परमाणुओं को निषेक कहते हैं। समान समान स्थिति, समान स्थिति के कर्म परमाणुओं को निषेक कहते हैं। क्लियर? आबादा काल में कोई निषेक रचना नहीं होती है, बराबर। आबादा काल छोड़ के बंद कब हुआ? फर्स्ट समय में बंद हुआ, बराबर, तो उसकी निषेक रचना कब से चालू होगी? आबादा काल को छोड़ दे, जब तक किसी, सपोज चित्ते कोड़ा कोड़ी सागर का बंद किया, बराबर, तो कितना समय छोड़ देंगे? 7000 वर्ष छोड़ के, वहां से लेके चित्ते कोड़ा कोड़ी सागर तक क्या बंद रहेगी, क्या होगी?
निषेध रचना हो। निषेध रचना माने एक के बाद कर्म का उदय में आना, बराबर ना, उसको कहते हैं निषेध रचना। निषेध माने क्या, निषेध कहते हैं इतना, बराबर। अब कर्म तो आए आबादा काल को छोड़ के उदय में आना चालू हो गया। अब आयु कर्म के लिए लिखो, आयु कर्म पहले तो आपको लिखना। अब देखो तीन चीज समझनी है आपको, कर्म, नौ कर्म और आयु, तीन चीज, कर्म, नौ कर्म और आयु, है ना। कर्म समझ में आ गया, कर्म नहीं आया आपको, आ गया, ओके, कर्म समझ में आया। अब आयु लिखो, आयु, आयु दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की लिखना, बुद्धिमान और बुद्धिमान, दो आयु, बुद्धिमान और बुद्धिमान। टफ तो नहीं लग रहा, इजी है, बुद्धिमान और लिखना, वर्तमान आयु को कहते हैं बुद्धिमान और भविष्य की आयु को कहते हैं बुद्धिमान। एक साथ जीव को कितनी आयु हो सकती है, उदय में एक, वेरी गुड, उदय में एक, सत्ता में, सत्ता में दो, सत्ता में दो हो सकते, एक वर्तमान की और एक भविष्य की, क्लियर, बराबर ना। भविष्य की आयु को क्या कहेंगे बेटा, पीछे आप बुद्धिमान, और वर्तमान की आयु को बुद्धिमान। अब आयु में आबादा काल करती है, आयु में, अब थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म करना उपयोग, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनोगे। आयु में आबादा काल कैसे पड़ती है, अभी सपोज ये अभी वर्तमान की आयु है, सपोज 90 इयर्स की आयु है, अब 60 इयर्स के बाद उसकी क्या हो गई, भविष्य की आयु का बंद हुआ, तो अब वर्तमान आयु के कितने साल बाकी है, 30 साल बाकी है, बराबर। तो 30 साल भविष्य की आयु का आबादा काल, क्लियर, नहीं समझ में आया आपको, नहीं आया, फिर से अभी वर्तमान की आयु कितनी है, 90, बराबर, 60 ईयर गए, उसके बाद उसकी क्या हुई, कब की आयु बनी, भविष्य, तो अभी उसकी आयु खत्म होने में कितने साल बाकी है, तो भविष्य की आयु के लिए अभी का जो वर्तमान 60 ईयर है वो भविष्य की आयु का क्या होगा, आबादा काल, समझ में आया। अब आप लोग लिख लेना, ये एग्जांपल लिख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कि आयु का आबादा काल कैसे होता है, बराबर। विग्रह चार, तीन प्रकार के मोड़ होते हैं, तीन मोड़ और समय चार,
की मोर और समय चार, चौथे समय में वो नवीन आयु नवीन जन्म ले लेगा, बराबर ना, जन्म ले लेगा, समझ में आ रहा कि नहीं। उसको हम थोड़ा अच्छे से उसको कल समझेंगे विग्रह गति का। अभी का इतना समझो विग्रह गति का मिनिमम समय और मैक्सिमम समय, क्लियर, बराबर ना। उसमें कितने मोड़ लेता है, उसकी क्या वर्किंग है, वो हम कल के स्वाध्याय में समझेंगे। अभी आप खाली एक छोटा टॉपिक है नौ कर्म, तीन बताए थे ना, कर्म आयु और नौ कर्म। अब नौ कर्म लिखो, पांच वर्ग ना कल बताई थी आपको, 23 वर्ग ना 22 से इसके बता 23 लिखो, 23 23 वर्गनाएं होती है, कितनी होती है, जस्ट करेक्ट 23 वर्गना। उसके साथ जीव का कितनी वर्गनाओं के साथ संबंध था, पांच लिखो नाम, पांच वर्गना का नाम किसी को बताए बोलो, एक बार जोरदार तालियां, आहार वर्णा, तेजस वर्णा, भाषा वर्णा, मनोवर्णा और काल वर्णा, लिख लिए पांच नाम, क्लियर। अब इसमें लिखना जो चार है ना आगे की चार, आहार तेजस भाषा मनो, ये चार है ना, इसको कहते हैं नौ कर्म वर्ण। क्या कहते हैं लिखो, चार चार के नीचे ऐसा एरो करके लिखो, नौ कर्म वर्ण, नौ कर्म वर्ण, बराबर। और कार्बन रखना में से क्या बनता है, कर्म बनता है। नौ कर्म में से क्या क्या बनता है, अब एक एक लिखना, आहार वर्णा में से, आहार वर्णा में से तीन शरीर बनते हैं, आहार वर्णा में से तीन शरीर बनते हैं, औदारिक वैक्रिक और आहार, वेरी गुड, कौन कौन से थी, औदारिक वैक्रिक और आहार, कौन बताएगा, औदारिक शरीर किसको किसको है, बड़े तो आते छोटे, हाँ बोलो बोलो, राइट हो आप, राइट हो, मनुष्य और वेरी गुड, जोरदार तालियां, मनुष्य और तीरियंस, बराबर। आहार शरीर किसको होता है, या ये बात से, ये बात से बहुत आवाज आ रही है, आहार शरीर, हाँ वेरी गुड, और भाई और कौन सा बताए, वैक्रिक शरीर, देव और नाग, क्लियर, बराबर। तो आहारक वर्णा में से तीन शरीर, तेजस वर्णा में से नहीं, तेजस वर्णा में से क्या बनेगा, लिखो तेजस शरीर, बराबर। और एक है ना भाषा वर्णा में से शब्द, या अपन जो बोलते हैं ना शब्द, ये शब्द रूप वर्णन कौन होता है, भाषा वर्णा, बराबर। और मनोवर्णा, मनोवर्णा में से क्या बनता है, द्रव्यमन, क्या बनता है, द्रव्यमन, लिख लिया आप लोग ने सबने, बराबर। एक बार बताओगे, एक बार फटाफट कौन बताएगा, आहार शरीर में से पीछे आप, वेरी गुड, बेच, हाँ हाँ बोलो, वेरी गुड, बेच बराबर, तेजस और इसका तो पता है। मेरा एक प्रश्न है कि कम से कम शरीर कितने हो सकते हैं, कौन कौन से, तेजस और मैक्सिमम कितने शरीर, मैक्सिमम चार, कौन कौन से, आहार और बोलो बोलो आप बोलो, बराबर ना, किसको होगा ये, बहुत बड़ा मुनिराज को होगा, चार मैक्सिमम चार शरीर। फिर से एक बार बोलती हूँ, लिख लेना जिसको नहीं सुने, जिन्होंने सुना नहीं हो, औदारी
और काल में, ये चार शरीर हो सकते एक साथ, किनको होगा? बुद्धिधारी मुनिराज को होगा। क्लियर? मिनिमम दो और मैक्सिमम चार, बराबर। समय हो गया है, ज्यादा हो गया है, ठीक है ना? एक दो मिनट का समय एक लिख लो तो मैं कल नया टॉपिक चालू कर सकती हूँ, बराबर ना? एक शॉर्ट है, एकदम शॉर्ट है। एक लिखो परमाणु, परमाणु, परमाणु में जो शक्ति होती है, परमाणु में जो, परमाणु में जो शक्ति है ना, उस शक्ति को कहते हैं अविभाग प्रतिच्छेद। उस शक्ति को क्या कहते हैं? अविभाग प्रतिच्छेद। उस शक्ति के अंश को क्या कहते हैं? अविभाग प्रतिच्छेद। अब एक परमाणु को कहते हैं एक वर्ग, उस समान अविभाग प्रतिच्छेद वाला एक एक परमाणु को कहते हैं वर्ग, एक वर्ग, वर्ग कहते हैं, बराबर। वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। अभी हमने की ना वर्गणा, तो आपका प्रश्न हो सकता है कि वर्गणा क्या होती है, तो समान वर्गों के समूह को, वर्गों के समूह को क्या कहते हैं? वर्गणा कहते हैं, बराबर। और एक परमाणु को क्या कहते हैं? वर्ग। वो समान अविभाग प्रतिच्छेद वाला एक परमाणु को वर्ग कहते हैं, वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं, बराबर ना? समझ में आया? परमाणु, वर्ग और वर्गणा। कितनी वर्गणा है टोटल? और जीव का कितनी वर्गणाओं के साथ संबंध? पांच वर्गणाओं के साथ संबंध है। आज हमने बहुत सारे टॉपिक किए, कल एक नया टॉपिक कर्म में, कल लास्ट पाते हैं उसमें हम सारी अवस्था है वो अपन देखेंगे। ऐसे हम भी कर्म से रहित हो और आत्मा का अनुभव हो, इसी मंगल भावना के साथ। एक प्रश्न है, विग्रह गति में दो ही शरीर होते हैं, विग्रह गति में नियम से दो, कारण और तेजस, कारण और तेजस, कारण और तेजस, दो ही शरीर होते हैं।